पहली बात तो ये एक ऐसा रियलिटी शो है जो कि पहली बार सिर्फ सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए बनाया गया। यूजली बड़े बड़े रियलिटी शोज जो हैं वो GECs के लिए बनते हैं, लेकिन ये पहला है जो कि वूट ओरिजिनल है। इट्स अ BBC फॉर्मेट, इसको इंडिया लाया गया है ऑफिशियली एंड इट्स गोइंग टू बी ऑन वूट। सर्वाइवर सीरीज़ है लेकिन हार्ड कोर नहीं है, बहुत सारे एंटरटेनमेंट है। सुमित जो है वो होस्ट कर रहे हैं द इंटायर सीजन और एवेलिन और मैं वो द कंटेस्टेंट्स यू कैन से फॉर डिफरेंट टेरेन। सो शी वाज इन तमिलनाडु कंटेस्टेंट्स एंड विनर्स बट उसका कुछ मिला नहीं यार अभी, मतलब विनर्स का। सो यू गॉट योर लाइफ, या वी गॉट आवर लाइव इज बैक। सो हम यहां पे बेच के गए थे, वापस मिल गए। एंड आई वाज इन अरुणाचल एंड द साहिल टक्कर जो कि राजस्थान में थे, वो आज हमारे पास आए नहीं है क्योंकि वो नाराज है हमसे। इस शो का नाम है स्टूपिड मैन स्मार्ट फोन। आई जस्ट वांट टू प्लग दैट इन। जी नाइस। इस शो को चूज करने की कुछ खास वजह क्या है, सबसे ज्यादा क्या पसंद आया इस शो के बारे में? एडवेंचर रियलिटी शो है, सबकी अलग अलग वजूहत है शो ज्वाइन करने के। मैंने इससे पहले कभी ऐसा एडवेंचर रियलिटी शो किया नहीं था, तो जब इन्होंने मुझे बताया ऐसा ये मुझसे करवाना चाहते तो मैं तो पहले हतप्रभ रह गया कि मुझे कैसे सूझा, मैं कैसे सूझा इन्हें। पर सुपरस्टार, वेब के सुपरस्टार। तो बट हाँ, इट वाज अ रियली फन जर्नी, शुड कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स। फॉर मी इट वाज मोर ऑफ आई मीन आई हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ मूवीज व्हिच थैंकफुली इज गोइंग रियली स्ट्रांग। At the same time, I love traveling, and I've done one show before, which was kind of an adventure travel show. I've never really done anything in the reality space as such, and this is real. This is very real. It's a survival show. For me, I love exploring cultures and new places. So when they asked me to go into the jungle of Tamil Nadu, that was quite exciting, and of course I had Sumit to take care of me, so it's okay. And Sumit had you. Yes. Yeah. That's true. I mean, they told me that you have to survive in a jungle of Tamil Nadu with Evelyn Sharma. I said, yeah. And so I was a Girl Scout. Absolutely. I was a Girl Scout for a whole day when I grew up. For a whole day. Yeah. All that fire making and all these things. Pura ek din. Yeah, it was too much. डिफिकल्ट एक हाँ करेक्ट। सो बेसिकली एडवेंचर बहुत कर चुके हैं, मुश्किल टास्क जो कि यू नो आपके फिजिकली बहुत यू नो एंडियरिंग होते हैं वो सब कर चुके हैं, लेकिन एक अलग एक फ्लेवर है इस शो का जो कि सर्वाइवल पे है, जहाँ पर आपके पास क्रू नहीं है, कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, आप फंस जाते हैं। आपको अपने जो बेसिक इंस्टिंक्ट है आपकी जो कि हर ह्यूमंस के अंदर है कि बचना कैसे, जिंदा कैसे रहना है, तो ये उसको जाके थोड़ा सा ना ट्रिगर करता है। सो आई थिंक दैट वाज द फन पार्ट। जो थ्रिल पार्ट वो ये था, जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि मैं दुनिया के सबसे ऊँचे टावर से कूदा हूँ, लेकिन तब सब कुछ बंधा हुआ था, तो हम बंजी कर रहे हैं उसका थ्रिल है, एडवेंचर है, डेंजरस कितना है मालूम नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि बहुत लोगों ने टेस्ट एंड ट्राई किया है। बट यहाँ पर जब मैं और सुमित डिसाइड करते हैं कि यार ये रिवर क्रॉस करने के लिए हमें खुद का दिमाग लगा के, हम बोल रहे कि लकड़ वक्कड़ बांध के, बोतलें बांध के राफ्ट बनाते हैं, ये किसी ने टेस्ट एंड ट्राई नहीं किया यू नो। और क्योंकि फॉर्मेट ही ऐसा ना, उनको क्या मालूम क्रू कि हम क्या दिमाग लगाने वाले, क्योंकि हमसे बात नहीं कर रहे हैं। सो अगेन सर्वाइवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश के ऐसे कल्चर्स हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है, अरुणाचल जैसे मैं अपने बात करूँ, सो वो लोग कैसे सेल्फ सफिशिएंट तरीके से जीते हैं आप इमेजिन नहीं करेंगे, कि वो अपना ही एक उन्होंने बनाया हुआ है दायरा जिसके अंदर वो जीते हैं, अपना ही खाने का है, अपना ही एवरीथिंग फ्रॉम फूड टू वाटर टू एवरीथिंग दैट यू नीड इन डे टू डे लाइफ वो उनके पास है, क्योंकि 7-8 घंटे उनको लगते हैं नीचे उतरने के लिए, कुछ खरीद के वापस जाने के लिए, तो अभी भी वहाँ बार्टर सिस्टम चल रहा है। इन लोगों को देखना लाइव और रियलाइज़ करना है कि इनकी ज़िंदगियाँ कितनी वेल टफ तो हैं लेकिन कितनी सुखी भी हैं, you know, so it was like a self learning you know experience which was great, you know. And like the show name says Stupid Man Smartphone. Yes. So we were really relying on the phones, and I would say it's a very light comic take on survival as well, like for the viewers, not so much not for us.
But I love entertaining and I love making my fans laugh, and I love for them to have this good feeling. And I think it's a very good feeling show. When you watch it, you'll feel happy, even though we are going through tough situations. You'll see that, I mean, we have survived, so it's all good. और इसमें एक वो भी सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें आप अपने फैंस जो हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, वो इस पूरी चीज़ का हिस्सा बन सकते हैं. वो जब आप फंस जाते हो, हाँ, कि आप कहीं फंस गए, आपको नहीं समझ आ रहा कि यहाँ की भाषा क्या है, यहाँ का रूट क्या है, यहाँ के खाने क्या है, क्या कर सकते हैं, तो आप उनको फ़ोटो भेजते हो, आप उनसे सवाल पूछते हो कि भाई मैं ऐसी ऐसी जगह पर पहाड़ में या रेगिस्तान में या जंगल में अटक गया हूँ, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मुझे ये पौधा दिखा है, क्या इसे मैं खा सकता हूँ? जैसे मुझे एक मशरूम मिल गया, मशरूम मिल गया, इनको लगा कि वो खा सकते हैं क्योंकि इतने भूखे हो, फैंस ने हेल्प किया, पैक की हुई है, इतने आप यू नो सुबह ब्रेकफास्ट नहीं खाया क्योंकि वो अंकल फिर से मच्छी ऑफर कर रहे थे जो कि हमें नहीं खानी थी, तो हम निकल पड़े वहाँ से और देखा कि यार ये मशरूम इतना अच्छा दिख रहा है. अब ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे ना पानी पिया है ना खाना खाया है और आप 2 घंटे से 3 घंटे से ट्रैक करो, चढ़ रहे हो पहाड़, ये नहीं कोई रास्ता है, जंगल टाइप का ही है, उसको चढ़ रहे हो और उसके बीच में मशरूम दिखता है ना, तो वो जो जैसे वो रेगिस्तान में पानी नहीं दिखता, वो वाली फीलिंग आ रही थी. सो आई थिंक ये पहला ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पर कि हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो भी इंटेग्रल पार्ट हैं शो के, दे आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन इट, हेल्पिंग अस एंड गाइडिंग अस. आई थिंक मोस्ट ऑफ आवर फैंस आर एक्चुअली एक्साइटेड टू सी द शो बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द शो एंड दे विल सी देमसेल्व्स यू नो इन द शो, व्हिच इज या अ लॉट ऑफ फन. ओके, देयर आर सो मेनी शोज ऑन एयर, यू नो, ऑन and we have seen it, you know, which is your favorite show? Karnataka, three of you know, which is your favorite reality show? Reality shows mein se I think my I don't know yahan par hai, I have a lot of reality shows which I, but Shark Tank is something that I'm addicted to. I think uska ek Indian version bhi hai MTV pe, aisa hi kuch. Yeah, it's called On the Job, but the idea of you know, the concept where you can have a dream and there are people who can help you, you know, give their best of their knowledge and make you succeed in life with your dream. It's amazing how, you know, normal people who we don't expect anything out of, wo aate hain brilliant ideas leke, and you know, and they have a potential of making it huge, you know, billionaires. That is my My favorite show would be Big Boss. I think if there's any other survival show right now, that's Big Boss, because it's really hard to survive on there. I like to watch it. You don't want to be a part of it. मैं अभी करने वाला था फोन में. Evelyn ready है इस बार की casting के लिए. I think joining me. No, I think they've been calling me every year asking me, hey Evelyn, I think now it's time for you to go on Big Boss. But I'm not Evelyn, like. I think I'd be crying all day on this show. That's too much of adventure for you. Yeah, it's too much of survival for me. My favorite show would be. I don't watch much reality television. Of I generally don't watch. Superman smartphone bolte hai. Superman smartphone is going to be my favorite reality. The show also carries a social message. You know, the current set numerous times during the course of election, said, you know, वो लोग कैसे survive करते हैं, कैसे भी जीवन बसा सकते हैं. ना तो दो किस्म के मैसेज है इसमें. एक तो वो कि हम अपने वी आर सो एडिक्टेड टू आवर फोन्स ऑन अ डेली बेसिस, बट वी डोंट रियलाइज दैट you like it or hate it, this is your best friend, and it is the truth of our times that this guy is your best friend, and this show clearly proves it. So maybe you don't have to look at it so negatively, and maybe you can look at it a little positively. And secondly, what we learned, what I learned, and I'm sure they also learned, is that at the end of the day, you need bare basics to survive, you know. When you have everything, you know, at your disposal, from ordering your groceries to everything is on your phone, and you have your staff working for you and everything. But जब आप ऐसी किसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं तो आपको लगता है कि आप एक लहसुन से, एक आलू से, थोड़ी सी आग से, एक छत के नीचे सर्वाइव कर सकते हैं. खेतों में घुस घुस के मक्की चोरी कर रहे थे, कभी टमाटर चोरी कर रहे थे. सो यू नो द थिंग इज दैट, जैसे आपने पूछा कि व्हाट इज द लेसन दैट वी लर्न, इट्स ट्रू, बिकॉज हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो एक बहुत बड़ी यू नो इविल वो चीज़ बन चुकी है सबके लिए. यू नो देर आर सो मेनी मीम्स एंड जिफ्स ऑन इंटरनेट वेयर पीपल आर आउट ऑन डिनर एंड लंच एंड देर ओनली ऑन देयर स्मार्टफोन्स. दैट इज़ बैड, आई एग्री, दैट्स नॉट गुड. बट वी वर इन द मिडल ऑफ नोवेयर एंड वी आई रियली थिंक दैट वी सर्वाइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन दैट वी वर गेटिंग आउट ऑफ आवर सेल फोन्स. एंड आई थिंक इफ टेक्नोलॉजी पुट टू गुड यूज can do wonders. Yeah, I agree that the main message of the show is
that you know, appreciate nature, yeah, but find that balance with your smartphone. It's your help, it's not your enemy. It's actually your savior. Karan, on this show Karan humne dikhaya koi bhi reality show pe bahut fighting hota hai ji, there any fighting yahan pe khane ke bande ho rahe the to fighting kahan se karte yahan pe nature se fighting ho rahi thi kaise hamari jo wo no I think I got along very well with Sumit because you know, he's a very very calm sort of person, काफी and but he's also ये बोलते रहते हैं कि मैं इतना adventure नहीं हूँ. I think मेरे से ज़्यादा adventurous ही हैं क्योंकि उनके अंदर ज़्यादा है stamina. But I had a great time because you know, if you जब आप ये show देखेंगे ना, तो ये एक वो जो reality shows में एक चीज़ वो लेके चलते हैं कि लोगों को जब लड़ते हुए देखते हैं तो TRP ज़्यादा है. Being very honest here, सब reality shows उस पर चलते हैं and unfortunately हम लोग भी कई बार उसके part होते हैं, but इस show में ऐसा कुछ नहीं. क्या आप तो इस तरह के शो में सोलो ट्रिप जाना पसंद करेंगे? यार सोलो में मजा नहीं आएगा. आई थिंक मेरे को मजे इसलिए आए क्योंकि मैं सुमित के साथ था. हम लोग सेम यार, मतलब सेम यार, मतलब वो कर रहे थे. उसका मजा इसी में था कि हमारे साथ एक पार्टनर था और आप दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे को टेम्परमेंट को समझते हैं. करेक्ट. यू नो, एंड दैट्स पार्ट ऑफ योर सर्वाइवल. नो नो, इट्स लाइक अ जर्नी. जैसे कुछ दोस्त जाते हैं घूमने फिरने, बस इसमें ऐसा है कि पैसे और खाना वाना हमसे छीन लिया गया. और सही बात है, हमारे ट्रू कैरेक्टर्स ऐसी सिचुएशंस में ही निकल के आते हैं. आपकी सही पर्सनालिटीज क्या है वो निकल के आती हैं. एविलिन ने तो मना कर दिया कि इसके बाद नहीं करेगी. तो मैन वर्सेस वाइल्ड एक और शो आता है, तो उससे ये रिलेटेड बहुत बड़ा वो बड़ा एक्सट्रीम शो है, पता है, क्योंकि वो जिसमें जो लोग हैं वो भी एक्सपर्ट है, वो यही काम करते हैं. हम कुछ और काम करते हैं, मैं एक्टर हूँ, हम सब एक्टर्स हैं, तो हमारा वो प्रमुख काम वो नहीं है सर्वाइवल. देखो वो और वो शोज, आई थिंक इंडिया में किसी ने अभी तक कोई सर्वाइवल शो नहीं. हाँ, आई डोंट थिंक, क्योंकि इंडिया में वैसे लाइफ में ही आप यहाँ से घर तक पहुँचो अपने आप में एक सर्वाइवल शो है. आई थिंक इतना ट्रैफिक, इतने खतरा है. इट्स गोना बी अ फन शो बिकॉज आप देखोगे कि उन्होंने चूज कर की सिचुएशन ऐसी बनाई थी जिसमें कि हम अटकेंगे. लाइक उनको मालूम है कि सुमित की वीक पॉइंट्स क्या है, मेरी वीक पॉइंट्स क्या है. जैसे मुझे चूहे बिल्कुल पसंद नहीं है. अनफॉर्चुनेटली मैंने नहीं काम किया है एवलिन के साथ, बट मुझे लगता है और एवलिन साथ में थे. एवलिन पूरा दिन तो नहीं चुप रहती है, हम लोग काफी बातें करते हैं. I just get hangry at sometimes, yeah, because I'm German Punjabi. I need to eat and I need to eat a lot. So throughout the jungle, जब आप hungry होते हो और angry भी होते हो तो hangry हो जाते हो. Yeah, when I saw that chicken. जब एवलिन हैंगरी होती है तो उसको ई हैंगरी बोलते हैं, क्योंकि ओनली स्मार्टफोन. आई एम वर्किंग ऑन अ फ्यू प्रोजेक्ट्स, बट राइट नाउ माय फोकस इज ऑन स्टूपिड मैन स्मार्टफोन. ओके, स्टूपिड मैन स्मार्टफोन. लेट आस्क करण, करण वुड यू बी इंटरेस्टेड गिवन अ चॉइस टू बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस? आई थिंक यार ऐसा है कि मेरे थोड़े एंगर इशूज हैं लाइफ में. So I don't know if I don't think I'll be entertaining enough on Big Boss. तो अगर तो आपको audience को disappoint करना है तो फिर मैं मैं नहीं ला पाऊँगा. मेरी मुझे लगता है कि Big Boss में मैं नहीं entertain कर पाऊँगा किसी को. Okay, the last question to Evelyn, if Salman give you a call personally and ask you to be a part of Big Boss, would you be interested? नहीं, इसको इस क्वेश्चन को रिएटरेट कर सकते हैं कि अगर सलमान भाई आपको फ़ोन करके बोलते हैं कि एवलिन या आप बिग बॉस करो, इसके बाद आपको 50 करोड़ की फिल्म मेरे साथ करनी है. 50 करोड़? हाँ. आई डोंट नो. कर लेगी ऐसा नहीं कर लेगी. आई विल शी थिंक अबाउट. नो, आई डोंट नो. Thank you guys. Subscribe to Movie Talkies and click on the bell icon for latest updates.